पीओके में भारत का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान। भारत की सेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की शेलिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। शुक्रवार को जब पाकिस्तान ने तंगधार सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया तो सेना ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर किए गए हमले से खासा नुकसान होने की खबर है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक लेपा घाटी में एक महिला की मौत हुई जबकि 4 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया में जो विजुअल्स चले हैं उसमें कई इमारतें धराशायी नजर आ रही है और बड़े पैमाने पर नुकसान साफ दिख रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत की तरफ से इतनी भारी शेलिंग पहले कभी नहीं की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार शनिवार तड़के 4 बजे मोर्टार और मीडियम रेंज आर्टिलरी से अटैक किया गया। पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही नौगाम और तंगधार सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इस शेलिंग में कुपवाड़ा जिले के 6 नागरिक घायल हुए थे। सेना ने जवाबी कार्रवाई में पीओके के लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया। वैसे सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि एलओसी के उस पार करीब 300 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। ये आतंकी कश्मीर घाटी के उरी, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गुरेज और जम्मू के सांबा और राजौरी पुंछ से लगी सीमा पर मौजूद हैं। इनपुट में कहा गया था कि इन आतंकियों के मंसूबे स्वतंत्रता दिवस पर हमला करने के हैं। हाल के दिनों में घुसपैठ की कोशिश करते कई आतंकी मार गिराए गए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।